हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि कैसे मैंने मोबाइल बॉक्स को यूज़ करके एक सिंपल और इजी ऑर्गेनाइज़र बनाया है। वैसे तो मैं उतनी अच्छी नहीं हूँ DIY में, पर फिर भी मैंने कोशिश किया है, तो इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। तो इसके लिए मैंने लिया है कलरिंग पेपर, सीजर्स, ग्लू और ये मोबाइल बॉक्सेस। आप इसे इस तरह से भी बना सकते हैं, इस स्टाइल से, पर मैं इसे इस स्टाइल से बना रही हूँ। तो सबसे पहले बॉक्स का एक अप्रॉक्स साइज मेजर करके मैं इस पेपर को काट रही हूँ। वैसे मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ पर DIY के पेपर्स भी नहीं मिलते हैं, तो मुझे एक पतला सा पेपर मिला था और एक ये पेपर मिला था, तो ये थोड़ा मोटा है तो इसलिए मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। और अब ग्लू के साथ इस पेपर को मैं अटैच कर रही हूँ। यहाँ पर ग्लूगन भी नहीं मिलता है, उसके लिए ऑर्डर करना पड़ता है ऑनलाइन से। तो जितना टाइम और एफोर्ट आप इसमें देंगे और ये सब सामान ऑनलाइन से ख़रीदने में आपका जितना खर्चा होगा, उससे मुझे ये लगता है कि डायरेक्ट ऑर्गेनाइज़र ख़रीदने में ही भलाई है। पर फिर भी कभी कभी DIY मैं करती हूँ, क्योंकि मुझे जैसा स्टाइल ज़रूरत होती है वैसा स्टाइल के ऑर्गेनाइज़र नहीं मिलते हैं। और मैं इसे अब सेलो टेप लगा रही हूँ, क्योंकि 2-3 जगह पर ग्लू शायद नहीं लगे थे अच्छी तरह से, तो इसलिए थोड़ा सा लूज़ हो गया था। और सेलो टेप लगा के मैं उसे टाइट कर रही हूँ। और सेलो टेप लगाने के बाद ये बिल्कुल फिट है। अब मैं इस पेपर को फिर से कट कर रही हूँ, और इस पेपर का जो रेड वाला हिस्सा है इसको मैं अटैच करूँगी इस जगह पर, इससे कलर कॉम्बिनेशन अच्छा लगेगा। तो वाइट बॉक्स तो हो गया, अब रेड बॉक्स की बारी। इस पे भी मैं पहले की तरह ही पेपर अटैच कर रही हूँ। डिफरेंस सिर्फ ये है कि प्रीवियस बॉक्स में मैंने पेपर के वाइट पार्ट को लगाया था और इस बॉक्स में मैं रेड पार्ट को लगा रही हूँ। आप इसे इस तरह से फोल्ड कर सकते हैं, ये अच्छा लगता है दिखने में। और अब इन दोनों बॉक्सेस को मैं सेलो टेप के साथ अटैच कर रही हूँ ऐसी तरह से। और उसके बाद ये ऐसी तरह से भी मैं सेलो टेप के साथ इसको अटैच कर दिया है। तो यूज़ करने के लिए तैयार है दुनिया का सबसे इजी DIY। और ये जो दूसरा बॉक्स है ये पहले से ऑर्गेनाइज़र था, तो मैंने सोचा कि इसको भी थोड़ा पेपर से डेकोरेट कर दूँ। बिल्कुल पहले की तरह मैंने अटैच किया है ये पेपर। पेपर का रेड वाला हिस्सा यूज़ किया है मैंने, क्योंकि मुझे येलो रेड कॉम्बिनेशन अच्छा लगता है। बिल्कुल पहले की तरह पहले पेपर को कट कीजिए, फिर ग्लू लगाइए और लूज जगह है सेलो टेप लगा दीजिए। इसी इस तरीका है ना। और अब ये देखिए मेरे कैट भी आ गए हैं। वैसे तो मेरे कैट्स मुझे बहुत हेल्प करना चाहते हैं, पर बिल्लियाँ है ना, इसलिए हेल्प नहीं कर पाते हैं। ये देखिए हेल्प करने की वजह ये खेल रहा है। लगता है इसको बहुत अच्छा लगा है ये सीजर और ये पेपर्स वगैरह, इसको बहुत अच्छा लग रहा है इसलिए ये खेल रहा है। और ये मैं पेपर को कट कर लिया और फिर ग्लू लगा के और बॉक्स के साथ अटैच करके मैं इसको भी थोड़ा डेकोरेट कर दिया। ये वाला जो बॉक्स है ना, ये मेरी किसी स्टूडेंट ने मुझे गिफ्ट किया था शायद, मतलब बॉक्स नहीं गिफ्ट किया था, वो बॉक्स के अंदर वो जो सामान था वो गिफ्ट किया था, पर बॉक्स को मैंने नहीं फेंका था। और ये मैंने सेलो टेप भी लगा दिया टाइट करने के लिए। अब ये बिल्कुल फिट। यहाँ पर मैं पेपर का वाइट वाला जो पार्ट है वो अटैच कर रही हूँ, इससे ये अच्छा लगेगा। और अब ये तीनों बिल्कुल तैयार है यूज़ होने के लिए। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर दे देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।